यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के छोटे बेटे अजय अग्रवाल की मानसिक हालत खराब होने की खबर को अब तक अग्रवाल खानदान ने छुपा कर रखा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अजय अग्रवाल को कलावती हॉस्पिटल के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर खान से मुलाकात करते कई बार देखा गया। कंपनी के मालिक की इस हालत ने यशपाल इंडस्ट्रीज के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया और इसी खबर के कारण निवेशकों ने कंपनी से अपना पैसा निकालने का फैसला किया है। कंपनी का भविष्य अब खतरे में है। What nonsense! जब हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स को कोई खतरा है ही नहीं तो इन खबरों से अजय को निशाना कैसे बना सकते हैं ये लोग? बिना हमारी कंपनी से कोई रिपोर्ट कंफर्म किए ये खबर कैसे प्रिंट कर दी इन लोगों ने? हमारी पर्सनल लाइफ में ये दखलअंदाजी कैसे कर सकते हैं ये लोग? अरे यही तो चाहते हैं ये लोग। ये झूठी खबर पढ़कर इस पर क्या बीतेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खबर मिली और छाप दी। औरों के इरादे जो भी हो, लेकिन हमें ऐसी खबर से हम पर या हमारे परिवार पर कोई असर नहीं होने देना चाहिए। अजय और तारा इस खबर के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा होगा अगर उन्हें ना पता चले, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी जो खबर हमारे लिए अहमियत नहीं रखती उस पर इतना ध्यान देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे परिवार की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कैसे मॉम? इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अगर किसी के निजी जिंदगी के मामले में सोचने के लिए लोगों के पास वक्त होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे मीडिया वालों का तो काम ही है अफवाहों को अहमियत देकर उन्हें अगले दिन की हेडलाइन बनाना, और ये काम वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमें ऐसी खबरों को नजरअंदाज करना चाहिए। अच्छा होगा अगर ये खबर खुद अपनी मौत मारे। अब हमें ऐसी बात का इंतजार है। फूलों तो बस यही चाहते हैं कि हम इस पर रिएक्ट करें और फिर उसका भी तमाशा बना दिया जाए। नहीं लगेगा, किसी के बुरे इरादों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से। और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार के लोग किसी के बुरे इरादों का शिकार बने। अपने परिवार पे किसी बुरे साये का नजर तक नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। जिस दिन तुम्हें ना देखूं या तुमसे बातें ना करूं वो दिन सजा की तरह निकलता है। और अब तक तुम मुझसे इतनी दूर अमेरिका चले गए हो, इतने सारे दिन मैं कैसे निकालूंगी? तुम्हारी फोटो से ही बातें करनी पड़ेंगी और तुम्हारी फोटो मुझे तुम्हारे हर पल मेरे पास होने का एहसास दिलाएगी। लेकिन फिलहाल तो तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो। मैं तुम्हारे बहुत पास हूं तारा, बहुत पास। कुणाल तुम, मैं अपने आगे तुम्हें बाहर छोड़ चुका हूं। ये कभी मत सोचना तारा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फासला आ सकता है। मैं तो तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा था और मरते दम तक इस नाम से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता।
तू सांसी बस बोले तेरी बातें ये आती जाती सांसी बस बोले तेरी बातें और देखो मैं तेरे ही खास बोले तेरी बातें ये आती जाती सांसें बस बोले तेरी बातें और देखो मैं तेरे ही खास अब तो मेरी जिंदगी का ही नहीं मेरे सपनों का भी हिस्सा बन चुके हो। इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निकालूंगी कुणाल। आज का पेपर कहां डाल दिया इन लोगों ने। ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के छोटे बेटे अजय अग्रवाल की मानसिक हालत खराब होने की खबर को अब तक अग्रवाल खानदान ने छुपा रखा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अजय अग्रवाल को भी मां ये झूठ है। मां ये सच नहीं है। ये झूठ है। हाँ, मैं जानती हूँ ये झूठ है। ये सच नहीं है। ध्यान मत दे, मुझे पता ये सब झूठ है। मां क्या मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है? नहीं अजय, नहीं बेटा, नहीं, हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते। तो मैंने कहा ना, इन बातों पे ध्यान मत देना। अरे लोग हमारे परिवार को, हमारे कंपनी को नीचा दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। हम तो जानते हैं ना कि असलियत क्या है। हाँ, जानते हैं ना। और अगर हमें दुख देने से किसी को खुशी मिलती है तो मिलने देना। तेरी माँ है ना तेरे साथ। मैं अपने बेटे पर आज नहीं आने दूंगी।
संजना, मैंने लकी को दूध पिला दिया है और कपड़े भी पहना लिए क्योंकि राज कैसी लग रही हूँ मैं? बोलो ना राज, कैसी लग रही हूँ मैं? ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक, सुपर्ब राज। हाँ, आई मीन तुम्हारे नया लुक देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गया हूँ। ऐसा क्या राज, ये कपड़े तुम्हीं ने तला कर दिए हैं मुझे? एक्चुअली ये लुक तुम्हें यू नो एक बड़ा सा मॉडर्न और एक पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल लुक दे रहा है जो तुम हो नहीं, क्योंकि तुम एकदम टम्बो। राज तुम ना मुझे डम्बो मत कहा करो, वरना ना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे अरे, जब भी देखो नहीं बात करने की धमकी दे रहे हो। हाँ, जब भी देखो हर बात पे। अरे मुझसे बात के बगैर तुम रह भी नहीं सकती। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, जिंदगी में पहली बार मैं अपनी मर्जी का कदम उठाने जा रही हूँ। सब ठीक तो होगा संजना, इसीलिए सब कुछ ठीक होगा क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल है। और राज का साथ होते हुए किस बात का डर, काहे का डर? अभी आंसू पोछ लो और मुस्कुराओ, because I hate tears, क्योंकि जिंदगी बड़ी हसीन है पगली। राज तुम रेडी क्यों नहीं हुए? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? रिलैक्स, आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले रही। तुम आराम से जाओ, अपना काम करो, लकी का देखभाल मैं करूंगा। तुम्हें मेरे और मेरे बेटे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू राज। यू वेलकम। जिंदगी भर के लिए प्लान यही बनाते थे तुम्हें, पहले दिन से लेट जाना शुरू। टाइम देखो टाइम। ओह माय गॉड, मैं लेट हो गई राज, तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ मैं। मेरे वजह से। अरे तैयार हो, कितना टाइम लगा तुम? वेरी गुड। ब्रश लो, पकड़ो। बैग कहाँ है तुम्हारा? मेरा बैग वहाँ पड़ा है। अरे मैं तो कब से रेडी थी राज। अरे इतनी अच्छी लगने की जरूरत ही क्या है? ये लो बैग तुम्हारा। कितना बकबक बकबक करते हो? अच्छा मेरी माँ, बाकी झगड़ा वापिस आने के बाद। ओके अभी निकलो। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है, और लकी का भी ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ लग रही हूँ ना, एकदम फर्स्ट क्लास लग रही हूँ। लकी मैं बेबी, पापा को बिल्कुल तंग मत करना। अच्छा पापा, बाकी आम का बात नहीं जाओ। अरे पैर छू मेरे। क्या बात कर रहे हो राज? अरे थैंक यू। अपना टिफिन टाइम पे कर लेना। हाँ, हाँ, okay? और टाइम से खाना कर लेना। और फोन कर लेना कैसा रहा मीटिंग। ओके बाय 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 बाय। अरे ले ले लगी ना 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 पापा। ओ ले 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 रोते नहीं मैं हूं ना। ओ अभी खेले खेले कर दे। प्रताप, ये कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो तुम? मेरे परिवार के खिलाफ ये कौन सा खेल खेल रहे हो? जवाब दो शौर्य, जवाब दो। आज तो हद कर दिए तुमने। मैं जानता इस सारे खेल के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है, सिर्फ तुम्हारा। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी ओछी हरकत करोगे। ओछी हरकत रवि अग्रवाल, मेरी इस ओछी हरकत ने यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को शौर्य प्रताप के सामने लाकर खड़ा कर दिया है ना। हैरानी की बात, तुम्हारी ये बेबसी देखना चाहता था मैं, ये बेबसी। और देखो, मेरी इस ओछी हरकत ने मुझे मेरे मकसद में कामयाब कर दिया। अपने इस घटिया मकसद को पूरा करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है तुम्हें एक बिजनेसमैन कहते हुए। नहीं, तुम एक बिजनेसमैन नहीं हो सकते। तुम्हें सिर्फ मासूमों की भावनाओं से खेलना आता है। सब
सबसे पहले तुमने हमारी कंपनी को बरसों से मिल रहे टेंडर को अपने नाम करा लिया, और वो भी धोखे से। और आज तुम मेरे भाई के साथ वो घटिया खेल खेल रहे हो। और कितने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे, कितने लोगों की भावनाओं के साथ खेलोगे तुम, और किस किस के आंसुओं का सौदा करोगे तुम शौर प्रताप? सौदा? हाँ, यानी बिजनेस टर्म्स में डील, करेक्ट मिस्टर रवि अग्रवाल? मेरी इस पहल को भी तुम एक बिजनेस डील ही समझो रवि अग्रवाल, और इस दुश्मनी के सौदे में जो जीत गया फिर ये खेल उसी के नाम समझो। मुझे लगता है तुम्हें मेरी ये डील कुछ पसंद नहीं आई। किसी की बीमारी को न्यूज़पेपर की फ्रंटलाइन बनाकर तुम कोई डील नहीं कर रहे हो शर्मिंदा, बल्कि इससे यह साबित होता है कि तुमने अपनी इंसानियत को खत्म कर दिया है, अपनी अंतरात्मा को मार दिया है तुमने, और इससे तुम दूसरों को ठेस पहुंचा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही तुम कुछ वक्त के लिए हमें परेशान कर सकते हो, हमें ठेस पहुंचा सकते हो, लेकिन यह बेवसी हमारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, बल्कि इस वक्त तो तुम मुझे लाचार और बेबस दिखाई दे रहे हो। एक ऐसा लाचार और बेबस इंसान जिसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी काबिलियत नहीं बल्कि बेईमानी का सहारा लेना पड़ रहा है। इस शोहरत और दौलत के कोई मायने नहीं है शौर प्रताप, क्योंकि अगर इस किले को तुमने दूसरों के आंसुओं के सहारे बनाया है तो एक दिन यह किला तुम्हें तुम्हारे आंसुओं के साथ ही बहा ले जाएगा। आज भले ही तुमने हमारे परिवार को ठेस पहुंचाई और तुम खुशी का जश्न मना रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा शौर प्रताप, तुम्हारा भी बुरा वक्त आएगा। जिंदगी में जिन हालात का सामना करने के लिए तुमने हमें छोड़ दिया है, याद रखना शौर, आने वाले वक्त में तुम्हें भी उन हालात का सामना करना पड़ेगा। एक मिनट रवि अग्रवाल, एक मिनट, तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानते ही क्या हो, और कौन किसकी जगह खड़ा है इसका साक्षी वक्त है, तुम नहीं। माना कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तुम, बड़े उतार चढ़ाव, नफा नुकसान देखा है तुमने, लेकिन किसके हिस्से में कितने दुख कितने दर्द हैं इसका फैसला करने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने परिवार, अपने भाई के आंसू नजर आ रहे हैं, औरों के हिस्से में दुख तकलीफ बिल्कुल नजर नहीं आ रही तुम्हें, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो तुम। जिंदगी में किसने ज्यादा दुख देखे हैं, किसने ज्यादा संघर्ष किया है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता कि अगर जिंदगी में जानबूझकर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को चोट पहुंचाई है, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और मैं इस पाप का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता, इस अपराध का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। लेकिन तुमने हमारे परिवार को दुख देकर, उनके मजबूरी का फायदा उठाकर यह पाप जरूर किया है। आज मेरा भाई जो कि हर पल अपनी जिंदगी से, अपने हालात से उबरने की कोशिश कर रहा है, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा, तुमने उसकी हालात को एक खबर बनाकर दुनिया के सामने लाकर रख दिया, मेरे भाई का चैन छीन लिया तुमने। तुम्हारा परिवार किस मुसीबत से गुजर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत से। जिस जंग का बहुत पहले ऐलान कर चुका हूं मैं, उस जंग के हर मोड़ पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हो तुम, तो मुझे क्या सामना करोगे तुम मेरा? तुम्हारा भाई मुझसे लड़ने से रहा, दिमागी तौर पर बीमार जो है बेचारा, और तुम हर कदम पर हारते हुए नजर आ रहे हो मुझे, और मुझे मेरी जीत साफ साफ नजर आ रही है।